ओम शांति। आज 15 मई इंटरनेशनल फैमिली डे है। विश्व के अंदर समय प्रति समय अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद धीरे धीरे जो संस्कृति थी वो लुप्त होती जा रही है। विश्व में पारिवारिक संबंध से एक दूसरे के साथ जुड़े थे, वो फैमिली वैल्यूज थे, लेकिन धीरे धीरे विश्व में वो फैमिली वैल्यूज लुप्त हो गए, परिवार टूटते गए, अलग अलग होकर के सब रहने लगे। क्या ये भी कोई जीवन है? भारत की संस्कृति देखो तो एक समय था जब संयुक्त परिवार होते थे, जहां सारा परिवार इकट्ठा रहते थे और आपस में बहुत प्यार होता था। एक ही रसोई घर में सबकी रसोई पकती थी और परिवार में भी कहां बच्चे बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था माता पिता को भी। लेकिन धीरे धीरे फिर न्यूक्लियस फैमिलीज होने लगी, परिवार बिखरने लगे। नौकरी धंधे के कारण चाहे शहर में जाने लगे और जो संयुक्त परिवार थे वो बिखरते हुए न्यूक्लियस फैमिलीज हो गई। वहां तक भी ठीक था कि कम से कम एक ही परिवार के अंदर माता पिता बच्चे तो रहते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर आवश्यकता इच्छाएं बढ़ने लगी और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए माता पिता दोनों काम पर जाने लगे तो बच्चे अकेले घर में रह गए। अकेले किसके साथ रहे और अकेले वो बच्चे कैसे बड़े हो? तो कहीं ना कहीं टीवी का सहारा या कोई बाहर से व्यक्ति रखा जो उनकी संभाल करे। तो नेचुरल है कि जो संभाल करेगा वो संस्कार भी तो वही देगा, और वही संस्कार होने से धीरे धीरे परिवार के अंदर भी मनमुटाव होने लगा। एक दूसरे से संबंध में वो प्यार समाप्त होने लगा, वो प्यार लुप्त हो गया, और तब वो एक परिवार भी बिखरने लगा और धीरे धीरे सिंगल पेरेंटिंग हो गया, या बच्चा मां के साथ या पिता के साथ। और इस तरह से वो बच्चे बढ़ने लगे। अब नेचुरल है परिवार की फीलिंग क्या होती है वो उन्हें पता ही नहीं। तो ऐसी जब फैमिलीज हो गई, सारी फैमिलीज जब बिखर गई, तब आज ये दिन मनाना पड़ता है ताकि कम से कम इस दिन के माध्यम से भी लोग एक दूसरे के समीप आए। टूटे हुए परिवार फिर से कहीं ना कहीं जुड़ाव में आ सके, अनुभव करे, इसलिए ये दिन मनाए जाने लगे। लेकिन देखा गया है कि फैमिली का जो शाब्दिक अर्थ था, फैमिली अर्थात फादर एंड मदर आई लव यू, ये कहना पड़ता है। पहले के समय में ये कहने की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि इतना प्यार परिवार में ऐसे बना हुआ था, एक दूसरे के बीच एक ऐसा बॉन्ड था जहां साथ में मिल करके बैठ के भोजन करना, साथ में बैठ करके सभी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना,
कोई भी बात हो तो एक दूसरे को सुनाना और एक दूसरे का सानिध्य महसूस करना। कहा जाता है कि एक परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे, अब माता पिता आपस में बात कर लेते थे और नेक्स्ट डे का प्रोग्राम बना देते थे, बच्चे को कुछ पता ही नहीं चलता था। तो एक दिन शाम के समय जब लिविंग रूम में बैठे थे सभी, तो बच्चे ने कहा, इस घर में क्या होता है हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है। पिता ने कहा, अच्छा तुम्हें भी पता होना चाहिए। माना माता पिता आपस में शेयर कर लेते थे, बच्चों को क्या सुनाना। तो जब बच्चे ने ये स्टेटमेंट दिया कि इस घर में क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं चलता है, तो पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, कल से लेकर के तुम्हारे कमरे के बाहर एक सारा लिस्ट लगा दिया जाएगा कि आज के दिन का सारा क्या क्या कार्यक्रम है। ठीक है, दूसरे दिन से सुबह से ही पिता एक लिस्ट तैयार कर देते थे, आज क्या क्या होने वाला है, क्या क्या कार्यक्रम है, वो सारा उसके बाहर कमरे के बाहर लिस्ट चिपका देते थे। हफ्ते के बाद शाम को फिर जब लिविंग रूम में बैठे थे, फिर बच्चे ने ये कहा कि इस घर में क्या होता है हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है। क्या, क्यों, तुम्हारे कमरे के बाहर तो रोज लिस्ट लगा दिया जाता था कि आज क्या क्या होने वाला है, फिर ऐसे कैसे कहते हो। भावार्थ बच्चे का यह था कि परिवार माना जहां शेयरिंग और केयरिंग हो, उसी का नाम तो परिवार है। शेयरिंग, जो बात है उन्हें लिस्ट के रूप में चिपकाया हुआ नहीं चाहिए था, लेकिन वो समझता है इस परिवार का मैं हिस्सा हूं, इस परिवार का मैं भी हिस्सा हूं, तो मेरे साथ भी हर बात शेयर किया जाए, ये उसकी चाहना थी। तो इसीलिए कहा, आज परिवार के अंदर सभी बैठे हैं लेकिन हर कोई अपने अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं। परिवार में होते हुए भी वो पारिवारिक फीलिंग, वो शेयरिंग, वो केयरिंग लुप्त हो गई, और इसीलिए आज इसकी आवश्यकता है। तो परिवार के अंदर हम सब जहां एक साथ एक छत के नीचे बैठ करके कुछ समय मोबाइलों को साइड में करते हैं और परिवार मिल करके जैसे शाम के समय इंटरैक्ट करते थे, वैसे इंटरैक्ट करना शुरू करें। अर्थात हम अपने फैमिलीज को, परिवार को सचमुच का वाईफाई होम्स बना दें। वाईफाई होम्स माना वो इंटरनेट वाला नहीं। एक बार कहा जाते, एक दादा दादी ने अपने पूरे परिवार को बुलाया भोजन पर, ताकि फैमिली पूरी इकट्ठी होकर के बैठे, बात करे, शेयर करे क्या क्या हो रहा है। सब बच्चों को बुलाया, सभी आए, लेकिन हर कोई के लिए ये नियम रखा गया था कि सबको अपने मोबाइल फोन्स डोर पर ही एक बॉक्स जो था उसके अंदर डाल देना था, जमा कर देना था, बॉक्स लॉक था, कोई भी निकाल नहीं सकता है। क्योंकि दादा दादी ने देखा था कि पिछले साल उन सबको इनवाइट किया था तो सब अपने अपने मोबाइल्स पर लेकर के बैठ गए और दादा दादी एक कोने में एक दूसरे का मुंह देखते रहे। तो इसलिए इस साल उन्होंने नियम बनाया था कि कोने में ही बॉक्स रखा है, वहां मोबाइल डाल देना है, जाते समय आपको मिलेगा और खूब एंजॉय करना है। और सचमुच में वो फैमिली एक वाईफाई होम बन गया। वाईफाई होम का मतलब है विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन। वाईफाई विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन बहुत बहुत आवश्यकता है या वर्तमान समय की पुकार है, क्योंकि तभी
हम एक दूसरे को वो अपनापन महसूस कराए, नहीं तो धीरे धीरे लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। यही अकेलापन उनको अंदर से खाया जा रहा है। तो क्यों नहीं सचमुच में एक फैमिली डे नहीं लेकिन सदा काल के लिए एक दूसरे का सानिध्य देते हुए लेते हुए एक दूसरे को वो प्यार स्नेह सम्मान देते हुए उस परिवार के अंदर वो स्नेह भरा वाइब्रेशन भरते हैं। आज जब कोरोना काल देखते हैं तो कई परिवारों में से लोग कोरोना के शिकार हुए हैं और इसलिए परिवार के अंदर कई लोग एक साथ में भी चले गए। तो ऐसे समय में उन लोगों के साथ भी जो पारिवारिक स्नेह है वो बांटने की आवश्यकता है। इसीलिए भारत के अंदर ये संस्कृति थी वसुधैव कुटुंबकम की, कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है। और इसीलिए जिन परिवारों में जिन्होंने भी अपने माता पिता को खोया है, परिवार को खोया है इस कोरोना की बीमारी में, उनके साथ भी वैश्विक स्तर पर अर्थात एक वसुधैव कुटुंबकम के भावना के साथ हम सब परमात्मा के संतान हैं और उस फीलिंग के साथ एक दूसरे के समीप आए, एक दूसरे की केयर करें, उनके साथ भी कुछ बातें शेयर करें और शेयर करते हुए उन्हें ये पारिवारिक वासना जरूर दें। यही परमात्मा हम बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि एक परमात्मा की संतान होने के नाते हम सभी एक परिवार के ही सदस्य हैं। तो क्यों नहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पुनः जागृत कर ऐसे वाइब्रेशन सारे विश्व के अंदर फैलाएं, जो हर आत्मा को अंदर से बल मिले, हिम्मत मिले और वह भी इस पारिवारिक फीलिंग में परमात्मा परिवार के स्नेह का अनुभव करते हुए उस परमात्मा को याद कर सके। वही हमारा सुप्रीम माता पिता है, तो उसके प्यार को, उसके वर्षे को, उसके सद्गुणों को, शक्तियों को हम जीवन में अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति।